खेल संग्राम में आपका स्वागत है। एशिया कप T20 के 8वें मुकाबले में जीत का सिलसिला जारी रखते हुए भारत ने UAE को 9 विकेट से हराया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी UAE की टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। तीसरे ही ओवर में स्वप्निल को भुवनेश्वर ने अपनी गेंद पर कैच कर पवेलियन लौटाया। स्वप्निल एक रन पर आउट हुए और अगले ही ओवर में बुमराह ने शहजाद को बिना खाता खोले रैना के हाथों कैच आउट करा UAE को दूसरा झटका दिया। अपना रोहन भी 11 के स्कोर पर पांड्या का शिकार बने। उस्मान भी केवल 9 रन बनाकर पवन नेगी की गेंद पर हरभजन को कैच दे बैठे। इसके बाद 0 के स्कोर पर जावेद को हरभजन ने अपना शिकार बनाया और 2 रन पर खेल रहे कलीम को युवराज ने पांड्या के हाथों कैच आउट कराया। नावेद को 5 रन पर भुवनेश्वर ने आउट कर चलता किया, लेकिन इस बीच साइमन अनवर ने 43 रन की पारी खेली, अनवर रन आउट हुए। फहद भी 3 रन बनाकर रन आउट हुए और इस तरह UAE ने 20 ओवरों में 9 विकेट पर 81 रन बनाए। अहमद राजा और कादिर अहमद 0-0 के स्कोर पर नॉट आउट रहे। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवरों में 8 रन देकर 2 विकेट चटकाए। बुमराह, पांड्या, हरभजन, नेगी और युवराज ने 1-1 विकेट हासिल किया। 82 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को रोहित और शिखर ने शानदार शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 43 रन जोड़े। रोहित 39 रन बनाकर अहमद की गेंद पर नावेद के हाथों कैच आउट हुए, लेकिन इसके बाद धवन और युवराज ने 4.2 ओवरों में 39 रन जोड़ लक्ष्य हासिल कर लिया। शिखर 16 और युवराज 25 रन पर नॉट आउट रहे। आदिर अहमद ने 2 ओवरों में 23 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। 28 गेंदों पर 39 रनों की शानदार पारी खेलने वाले रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच बने। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।